वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। सब लोग स्प्रिंग गॉड का नारा लगाने लगे। यली सोचता है कि क्या चल रहा है, अचानक से इतना शोर क्यों होने लगा। सब लोग तो खुशी से पागल हो गए थे और कह रहे थे कि प्लीज़ हमारे विलेज में भी आइए, हम आपकी सोने की मूर्ति बनवाएंगे, आप हमारे भगवान हो, हमें खाना दीजिए और उगाने के लिए हमें सीड दीजिए, प्लीज़ यहाँ फिर से बारिश करवा दीजिए। युनहुआ और उसकी टीम ये तय करते हैं कि लोग बहुत पागल हो गए हैं, अगर अभी हम मास्टर से मिलने गए तो बहुत बड़ी मैस हो जाएगी, तो चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। संयन येली के पास आ गया और कहता है, डरो मत आली, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, वो बस कुछ गांववासी है जो तुम्हारी पूजा करने आए हैं। ग्लूटोन और डिसेंट वो शोर सुन के येली को प्रोटेक्ट करने चले आए और अपना जायंट बीस फॉर्म ले लिया। उसे देख के सब लोग डरने लगे और ये सोचने लगे कि स्प्रिंग गॉड उस मॉन्स्टर के साथ क्यों है। येली सांगयान को कहता है कि सामान्य लोगों को हार्म पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। सांगयान कहता है, ग्लूटोन और बाकी सब उन सबको देख लेंगे, तुम्हारा काम हो जाए तो हम चले जाएंगे। लेकिन लोग उसे कहते हैं कि स्प्रिंग गॉड, क्या आपको पता है जो आपके पास खड़े है वो एक फियर्स बीस्ट है, क्या उसने आपको बंदी बना के रखा है। येली वो सब सुन रहा था और सांगयान का हाथ पकड़ के सबको कहता है, नहीं मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ, प्लीज़ गलत मत समझिए, वो सब मेरे कंपेनियन है, मेरी फैमिली है। लेकिन लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि शायद स्प्रिंग गॉड उस मॉन्स्टर्स से डर रहे हैं, वो गुस्सा ना हो जाए इसलिए स्प्रिंग गॉड ऐसा बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप तो हम सब के हैं, तो आपको वो स्ट्रेंज क्रीचर्स क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप दबाव में हैं तो हम आपको बचाएंगे। फिर वो सब ग्लूटोन और डिसेंट को बुरा भला कहने लगे। येली को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता और बकवास किए जा रहे हैं। तो वो सांगयान को आगे करता है और सबको बता देता है कि आप सब गलत हो, ये मेरा कल्टीवेटर पार्टनर है, मेरा पति है, वो भी एक फियर्स बीस्ट है, केओस, क्या तुम सब लोग उसके शरीर के घाव नहीं देख सकते। सांगयान उसे रोक रहा था कि आले इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येली सबको बताने लगा कि उसने और उसके ब्रदर्स ने तुम सबके लिए लड़ाई लड़ी है और बहुत चोट खाई है, उन सब ने एविल गॉड को मारने में और इस पूरी दुनिया को ताइहुआंग को प्रोटेक्ट करने में मदद की है, तो इसीलिए ही वो पूरे घाव और स्कार से भरे हुए हैं। पूरा गॉड क्लैन सेक्रीफाइस हो गया और बिना इस फियर्स बीस्ट के सपोर्ट के सब खत्म हो जाता, तीनों लोग डिस्ट्रॉय हो जाते। इन बीस्ट की मदद से ही इन जमीन पे स्प्रिंग वापस लौट आई है। तुम सब अब भी उससे क्यों डर रहे हो और उससे क्यों घृणा कर रहे हो। लेकिन लोग तो फिर भी उसका यकीन नहीं करना चाहते थे कि क्या वो सच कह रहे हैं, कौन जाने, हमने ये थोड़ी देखा है। लेकिन येली का विद्यार्थी सबको कहता है कि एक्चुअली फियर्स बीस्ट एविल नहीं है, उन्होंने पहले भी हमारी हेल्प की थी। युनहुआ ये नोटिस कर लेती है कि मास्टर की आंखों को क्या हुआ है। लेकिन एक छोटी लड़की कहने लगती है कि तुम झूठे हो, मुझे वो काले कपड़ों वाला याद है, वो डीमन लॉर्ड है, उसने हमारे देश पे अटैक किया था और बहुत सारे लोगों को मार डाला था, मैं वो लाशों का ढेर और खून की नदियाँ कभी नहीं भूलूंगी। येली उन्हें ये कहना चाहता था कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं उसके पास नहीं था। येली उन सबको वो सब भूलने को कहता है कि वो सब बीती बात है, आज और बीते कल को मिक्स मत करो। संयन को अब डिजीनेस होने लगा था और यहाँ लोग थे कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो संयन येली को रोकता है कि छोड़ो उन लोगों को, उनसे बहस करके क्या फ़ायदा, मेरे साथ चलो। और वो ग्लूटोन और डिसेंट को सारे लोगों को भगाने के लिए कह देता है। तो ग्लूटोन और डिसेंट सारे लोगों को भगा देते हैं और लोग उन्हें कर्ज देते हुए भाग गए और ये भी कहते गए कि हम स्प्रिंग गॉड को बचाने ज़रूर आएंगे। फिर युनहुआ और उसके साथी येली के पास जाने की सोच रहे थे, तभी फॉक्स उसके पास आता है और अपनी पहचान करवाता है कि ये मैं हूँ लिटिल जमी, तुम पहले मुझे खाना देती थी याद है। तो वो सरप्राइज हो गई कि तो तुम वही स्टूपिड नेवले हो, तो तुम भी एक डीमन हो, क्या मास्टर के पास कोई नॉर्मल पर्सन है या नहीं। फिर वो पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ ये पूछती है, तो फॉक्स उसे सब कुछ बता देता है। और वहाँ दूसरी ओर येली सब पे गुस्सा कर रहा था कि वो लोग कितने ज़िद्दी थे, तुमने मुझे रोक क्यों दिया और ऊपर से तुम तो हंस भी रहे हो। सांगयान सोचता है पहली बार वो इतना गुस्सा हुआ है और वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी आदत है, ऊपर से मैंने भी तो बहुत एविल काम किए हैं, तो लोग मेरे लिए ग्रेटफुल फील करें ऐसी मैं उम्मीद नहीं कर सकता। येली कहता है नहीं, आज से मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं होने दूंगा और मेरे पिताजी को भी नहीं, ये पूरी दुनिया तुम दोनों की कर्जदार है, तो सब लोगों को ये ज़रूर पता चलना चाहिए। सांगयान की हालत ख़राब थी लेकिन फिर भी वो स्माइल करता हुआ ही कहता है कि हाँ हाँ मैं इंतज़ार करूँगा कि ये लिटिल स्प्रिंग गॉड मुझे न्याय दिलवाएगा और हमें नोबल बीस्ट का टाइटल दिलवाएगा, ओके।
उस वक्त सब लोग मुझे अपने कंधे पर उठाने के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे और सब लोग मुझे काफ़ी सारी आहुतियाँ चढ़ाएंगे ताकि उसके घर से बुरी आत्माएं चली जाए। येली गुस्से से कहता है, ओह कम ऑन, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। सायन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना गुस्सा कर रहे हो कि तुम्हारी आँखें लाल हो गई है, मुझे देखने दो। तुम्हारी आँखें वो बहुत खूबसूरत है, वो ब्लाइंड नहीं हो सकती, उन्हें ज़रूरी ठीक किया जा सकता है, हमें उसका कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। येली कहता है, हेवन लीलो ऑलरेडी मर चुका है, अगर मेरी आंखें ठीक होने वाली होती तो वो अब तक हो चुकी होती। और फिर वो सांगयान की बॉडी पे इधर उधर हाथ फिरा के उसे फील करने लगा। सांगयान कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो डार्लिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? येली कहता है, हिलो मत, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी फील करना चाहता हूँ। तुमने कलेमिटी फायर को ब्लॉक किया था, तुम्हें इससे बहुत सारी इंजरीज आई होगी, तुम्हें कहाँ चोट आई है? अगर तुम इसे इंजोर कर भी लोगे तो भी उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं तुम्हारी कैरोटिक सांसें फील कर सकता हूँ। सांगयान येली को ये नहीं जाने देना चाहता था, तो वो येली का हाथ उससे दूर कर देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, वो बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। येली को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो कहता है, क्या सच में? तो फिर खुद पे इतना जोर मत दो, जाके आराम करो, हमें लैंड रिस्टोर करने में इतनी जल्दी नहीं है। और वो अपनी गोद में सांगयान को सुला देता है और कहता है, हमारी वेडिंग सेरेमनी के दिन से तुम नहीं सोए है ना, और तुम अपनी जान का रिस्क लेके इधर उधर फिर रहे थे। सांगयान कहता है, आली मुझे पहले इस दुनिया की कोई परवाह नहीं थी कि ये कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती रहे या नहीं, लेकिन तुम उसे प्यार करते हो तो इसीलिए ही मैं तुम्हारे लिए उसे बचाना चाहता था और उसे मेरी फैमिली की तरह मानता हूँ। सब कुछ जो मैंने किया वो सब तुम्हारे लिए ही था। येली रोने लगा और कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और सब कुछ बहुत अच्छा किया, वो सिर्फ मैं ही था जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया, आई एम सॉरी। थोड़ा आराम कर लो, फिर हम रोशन सी जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर सांगयान को ले जाने का वादा उसने पिछले जन्म में किया था, लेकिन अब तक सांगयान को वो जगह देखने भी नहीं मिली है। सांगयान कहता है, ओके, क्या उस जगह पर कोई फर्नीचर और बेड्स है? वहाँ पे पूरा खाली मत रखना, नहीं तो वहाँ हम हमारी वेडिंग नाइट कैसे स्पेंड करेंगे? येली कहता है, हम वहाँ 200 सालों से नहीं गए तो वहाँ ज़रूर ही धूल जम गई होगी, लेकिन हम वहाँ जाके थोड़ी साफ़ सफाई कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं ब्लाइंड हो गया हूँ तो मैं वहाँ जाने का रास्ता नहीं देख सकता, तो हमें वहाँ जाने में थोड़े और दिन लग जाएंगे। अगर तुम थक गए हो तो हम ग्लूटोन की हेल्प ले लेंगे, ठीक है? लेकिन अब सांगयान अपनी लिमिट तक आ गया था, वो कुछ नहीं बोलता, तो येली परेशान हो गया कि क्या हुआ, वो कुछ भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा और उसकी बॉडी अचानक से इतनी गर्म क्यों हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सांगयान को बुलाने लगा तो सब ये सुन लेते हैं। सब वहाँ भाग के पहुँचे और उसकी बॉडी चेक करते हैं। ग्लूटोन सांगयान के कपड़े निकाल के देखता है तो उसकी बॉडी पूरी जल चुकी थी। सब ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक गए। येली कहता है, लिटिल डमी क्या हुआ है? फॉक्स कहता है, कलेमिटी फायर से मिली इंजरीज बहुत सीरियस है, उसका आधा शरीर जल चुका है। यह सुन के येली को बहुत बड़ा शौक लगा। स्टुबोन कहता है, देखो उसकी बॉडी पे वो आग फैल रही है, हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। येली खुद को शांत करता है, लेकिन अभी उसकी आवाज़ भी रोने जैसी हो गई थी। वो सांगयान के कपड़ों में से सुमोनिंग सिल ढूंढने को कहता है और ब्लड मून पैलेस से मिस लिंगलोंग को सुमोन करने के लिए कहता है, और वो अपनी डिवाइन एनर्जी से सांगयान की इंजरीज को ट्रीट करने की तय करता है और सबको साइड में हट जाने को कहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।